नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के जनमंच हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर 4 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस बीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन लोगों के लिए सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम चला रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, उनका विवाह कराने के साथ साथ उन्हें लड़की के नाम से करीब 35,000 रुपए का चेक दिया जाता है, ताकि वह अपना व्यवसाय स्थापित कर अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिता सकें। सहारनपुर से संवाददाता मदन सिंह की ये रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4 जोड़ों का विवाह कराया गया प्रातःकालीन। उसमें हम लोगों ने पूरी उनके परिवार वालों को और उनके घर वालों को बुलाया है और बड़े सम्मानपूर्वक उनकी आज शादी का आयोजन हुआ है। उसमें 2 कन्याएँ हिंदू हैं, 2 मुस्लिम हैं। तो काजी साहब ने आकर के निकाह करवाया है। पंडित जी ने पूरे फेरे लेकर के बहुत सम्मानपूर्वक उनका पूरा विवाह सम्पन्न कराया है। मैं उनके सभी जोड़ों को बधाई देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, ये इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो भी लड़कियां हैं वो स्वावलंबी बने, इसलिए उनको 35,000 का एक चेक भी दिया जाता है उस लड़की के नाम, जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सके और वो स्वावलंबी बने और आने वाले समय में वो समाज के लिए हितकारी हो। तो मैं सभी जोड़ों को आज के दिन में बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।